जय श्री राम प्रिय भक्तों, एक साधक के लिए भोजन के क्या क्या नियम होने चाहिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में भगवान ने कहा है कि यह योग न तो बहुत भोजन करने वाले कर सकते हैं और न ही सर्वथा उपवास करने वाले ही। यह बहुत सोने वालों के वश का भी नहीं है और सदा जागते रहने वाले भी योग साधन में असमर्थ हैं। इस प्रकार आहार विहार चेष्टा कर्म निद्रा जागरण आदि जीवन के जितने भी कर्म हैं उनको समुचित संयमित और नियमित करके साधक को अपने साधना पथ में बढ़ना चाहिए। योग साधना के लिए मध्यम मार्ग उचित है। भोजन के लिए जो आवश्यक बातें हैं अब वो ध्यान से सुनिए। नंबर एक, भोजन से पहले प्रत्येक साधक सर्वप्रथम अपने श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करे, तब प्रभु के पावन नाम का स्मरण करते हुए भोजन या जल ग्रहण करे। नंबर दो, भोजन को अंतर्यामी भगवान की तृप्ति के लिए तथा यज्ञ की भावना से करना चाहिए, मात्र जीव के स्वाद या अपनी तृप्ति के लिए नहीं। नंबर तीन, घर में सबको बांट कर खाएँ, कभी कोई भी खाद्य पदार्थ किसी से चुरा कर ना खाएँ। नंबर चार, अपने लिए बढ़िया चीज़ लेकर दूसरों को घटिया चीज़ ना दें। नंबर चार, प्रतिदिन स्नान ध्यान एवं पूजन करने के बाद ही भोजन करें। नंबर छः, मौन रहते हुए श्वास श्वास में प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए भोजन करें। नंबर सात, तांबे के बर्तन में दूध ना पिएं, पीतल या तांबे के पात्र में दही या खट्टे पदार्थ सेवन ना करें, जूठे बर्तन में भी घी ना खाएँ और दूध के साथ कभी नमक ना खाएं, क्योंकि ऐसा करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। नंबर आठ, भोजन चबा कर करें, बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं। नंबर नौ, स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों हाथ पैर व मुंह को भली प्रकार धोकर फिर भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद भी हाथ मुंह धोना, कुल्ले करके मुंह साफ करना, दांतों में लगे हुए अन्न को निकाल कर फिर मुँह धोना तन मन की पवित्रता सर्वथा लाभदायक है। जय श्री राम प्रिय भक्तों।